हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप गाइस सब स्वस्थ होंगे, अपन भी एकदम मस्त है। सो गाइस, हमारा तीसरा एपिसोड शुरू हो चुका है और रात को गाइस हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया था और अभी अपने नोटी भाई और रोहित भाई दोनों कर रहे हैं पैकिंग। तो ये लोग लगे हुए इधर पैकिंग करने पे। कैसे कटी रात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस इनके पास भी एक स्लीपिंग बैग था रोहित भाई के साथ, और हाँ, और हमारे पास भी एक ही स्लीपिंग बैग था। मुकुल भाई की तो फट गई ठंड से आज बहुत ज़्यादा, और बाकी कपड़े यहाँ गाइस सूख रहे हैं। मुकुल भाई क्या हुआ? मुकुल भाई को दिख रहे हैं वहाँ सेब ही सेब, और मुकुल भाई जा नहीं पा रहा है सेब लेने के लिए, क्योंकि नहीं जा सकता, ये दूसरों की अमानत है भाई, सिर्फ देख सकता है दूर से। फाइनली गाइज, अपन ने सारा क्लोज यहाँ पे कर लिया है, और जो भी हमारा कूड़ा था वो हमने ले लिया अपने पास, लेके चलते हैं हम आगे। और मुकुल तो चले गए बैग और स्लीपिंग बैग लेके, और बाकी भी हेलमेट रखे यहाँ पे, और ये भी लेके चलते हैं गाइज जल्दी से, और बाइक भी पैक करना है। ये गाइज शिमला हाईवे, और अभी हमें अराउंड 3 घंटे और लगने वाले हैं शिमला जाने के लिए। हम लोग कल रात को ही पहुंच जाते हैं अगर बारिश नहीं होती, तो बारिश ने थोड़ा रुकावट डाल दी, बट क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा है आप वही उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो, ना कि अपने अकॉर्डिंग। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो कल रात को यहाँ पर रात हमने अपनी बिताई थी, यहाँ पर एक बाइक यहाँ पर एक वहाँ पर, तो बाइक के लिए पार्किंग भी मिल गई अच्छे से। का जो रूट है वो कंप्लीट हमने किया है अभी 1.5 घंटे में, और अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बुग्याल, घास के बुग्याल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं टॉप में, रोहित को चले गए सबसे टॉप पे उधर, ये मुकुल भाई और नोटी भाई। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं कुफरी शिमला, और यहाँ का जो नज़ारा गाइज देखने लायक है, और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है गाइज देखिए। और गाइज अभी रुके हम शिमला में, और ये जगह है व्यू पॉइंट, तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे रुके हुए फोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए। तो देखिए गाइज क्या प्यारा नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ से, और जो मेन शिमला यहाँ से रह गया बस 3-4 किलोमीटर और आगे, बाकी आप देख सकते हो गाइस पूरे टूर में आपको यही पहाड़ और यही माउंटेन्स देखने को मिले। गाइस रोहित देखो गया है लकड़ी लेने के लिए, वहाँ पे किसी ने लकड़ियाँ फेंक रखी है तो ये इकट्ठे कर रहा है, ताकि हम जहाँ पे अपना कैंप लगाए वहाँ पर जलाने के लिए शिमला, फिर खाना बनाने के लिए शिमला में जल। तो गाइस लकड़ी ले लिया है रोहित भाई ने यहाँ से सामने से, अंकल ने बोला कि यहाँ से भाग जाओ लकड़ी लेके, लकड़ी वाला आ गया तो मारेगा। और याद की यहाँ पे शिमला टनल से
नाम ले रहा है। श्री संकट मोचन मंदिर और गाइस अभी आए हम यहाँ पे, एक हनुमान मंदिर है, संकट मोचन मंदिर, तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे कैमरा अलाउड है ना? नहीं है। करौरी जी महाराज, चलो यह है गाइस शिमला सिटी, बहुत ही प्यारी जगह गाइस शिमला। मंदिर के बाद गाइस अब पहुंच अपने बाइक के पास, जो लकड़ी हमने ली थी हमने ये बांध रखे यहाँ पे, तो जो तो जिंदे खड़े तो उन पे निकलते हैं यहाँ से आगे, अब शिमला क्रॉस करते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कैंप के लिए, जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे आज रात को हम अपना जो कैंप है लगाने वाले हैं। तो एक प्रॉपर्टी है गाइस यहाँ पे जो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे अगर ये लोग अलाउ करते हैं कैंप लगाने के लिए, तो यहाँ पे हम कैंप लगाने वाले हैं। तो अभी चलते जल्दी से। तो भाई जब गए थे हम नीचे, नीचे तो लोगों ने मना कर दिया, अभी चलते हैं दूसरी जगह पे ढूंढते कोई दूसरी लोकेशन। गाइस थोड़ा सा आगे आके एक और अबे हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मिला है, तो यहाँ पे भी पूछता है हम लोग, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई रहता है नहीं, बट वो महीने में एक दो महीने कई बार आते देखने के लिए, बस तो रुकना है तो रुक सकते हो। तो चलते आज यहीं स्टे करने वाले हम। उसने बोला कि अगर तुम प्यार से किसी से भी बात करो तो कोई मना क्यों करेगा, है कि नहीं है मन्नी भाई? चलो फिर प्यार से नहीं करनी ना बात, लेकिन आएगा तो मानना है पत्थर सीधा। चल मुकुल भाई बैग तो खोल ले, बाइक लेके आ जाए इधर। तो गाइस अपना जूता और स्लीपिंग बैग लेके मैं आ चुका हूँ नीचे, तो हम रुकेंगे यहाँ पे क्योंकि गाइस बारिश हो रही, तो हम टेंट आउटसाइड बाहर नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे कपड़े भी गीले, तो फिर कपड़े सुखाने में दिक्कत होगी, तो पहले हम जल्दी से अपना टेंट लगाने वाले, बाकी सामान बाद में। हम लोगों ने जो लकड़ी लेके आए थे यहीं पर लगाएंगे, चूल्हा कहीं साइड में, पर आज तो मस्त खाना बनाएंगे। और ये गाइस यहाँ की लोकेशन, Thank you.
और गाइस अभी हम टेंट में अपने एंटर कर चुके हैं, सारे कपड़े डाल दिए हमने वहाँ पे सूखने के लिए। बाकी अभी चलते हैं गाइस, डिनर का सामान लेके आएंगे। आज तो हम यहीं पे चूल्हा लगाएंगे और प्रेशर और कुकर और लकड़ी तो हमने वहाँ पे रख दी। अभी जाएंगे पानी और बाकी खाने का सामान लेके आएंगे। देखो ना मैं दिख रहा हूँ इसमें। तुम तो पूरे दिख रहे। हाय गाइस, अभी शाम के बज रहे 6:30। अभी थोड़ा सा लेटा था, मेरी आंख लग गई। और रोहित और अनुराग गए हैं मार्केट खाने का सामान लेने, तो वो भी लेके आने वाले हैं। और अब तक मैं अपना जो व्लॉग था वो एडिट कर रहा था, एडिट हो चुका है। अभी से करूँ मैं एक्सपोर्ट, उसके बाद करूँगा अपलोड। और मुकुल भाई आराम से मोबाइल देख रहे हैं। कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलना चाहेंगे गाइस, ये हमारी ट्रिप का लास्ट दिन है। कल हम निकल रहे हैं देहरादून से ऋषिकेश। देहरादून अराउंड गाइस यहाँ से 200 किलोमीटर। कल हमें कंटिन्यू बाइक राइड करनी है, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर बाद जब हमारा देहरादून से ऋषिकेश, देन अपने घर की ओर। और फाइनल गाइस अपना राशन पानी आ चुका है इधर। ओए चलो बाहर निकल, वो बंद करा, बाहर निकल फटाफट। हाँ ये तब से मोबाइल में लगा हुआ है, तब से बाहर नहीं आया अभी तक। तब भी एडिटिंग कंप्लीट की, अभी अपलोड पे लगाया। क्या क्या इसके अंदर क्या चाहिए तुम्हें? नाम लो, नाम तो लो, कुछ जो हो सकता है, कुछ भी नाम लो। चावल, बेसन है और सब है, सब मिलेगा। चलो फिर दुकान खोलते पहले अपनी। सो ये गाइस अपना सारा सामान, आलू प्याज टमाटर गोभी गाजर, क्या बनाएंगे आज? पुलाव बनाएंगे और उससे पहले पकौड़ियाँ। तो हम पहले करते हैं गाइस पकौड़ियों के लिए तैयारी। तो जल्दी से काटते पहले आलू और कुछ प्याज और थोड़े से हरी मिर्च। ये भरता उसमें मैंने बनाया बहुत। मनीष भाई क्या कर रहे तुम? सो गाइस अभी हम जला रहे हैं आग। पहले बनाएंगे हम मिक्स पकौड़े, आलू प्याज गोभी हरी मिर्च, और उसके बाद बनाएंगे पुलाव। बस हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जली चुकी है, बट जो लकड़ियाँ थी वो थोड़ी गीली हो गई थी, तो थोड़ा टाइम लग गया। तो करते हैं जल्दी से। या तो तू भागेगा यहाँ से या तो मैं भागूंगा यहाँ से, मेरे को लग रहा है। मतलब ये मेरे को बढ़ाने दे नहीं रहा, ये भी डाल वो भी डाल, ये तो इनका तो खुद कर ले कुक, यहाँ तो मुझे करने दे। अगर तू नहीं होता तो मैंने बनाता, ले बना ले, तू बना ले, मैं तब तक अपना व्लॉग एडिट कर लेता हूँ दूसरा वाला। क्यों करो? पर मेरे को आलस आ रहा है क्योंकि मैं तेरी शक्ल देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं तेरे को बैठा देख नहीं सकता। चुपचाप जाकर टेंट में सुधर दे, कम डाल, नहीं पन्नी पहले फोल्ड कर ले ऐसे यार, पन्नी दिक्कत लगे। गाइस हमारे पास बर्तन तो है नहीं, एक ही प्रेशर कुकर है, बाकी हम पन्नी में ही काम चला रहे हैं। बट जो जो भी है उसमें खुश रहो, और हर जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, तो यही है कैंपिंग लाइफ जो हम कर रहे हैं 3 दिन से। बट बहुत जगह बारिश थी गाइस, बहुत जगह हम अपना जो खाना है वो बना नहीं पाए, और इसीलिए आज हमें मौका मिला तो हम लोग अपना चूल्हा लगा दिए यहीं पे। कोई बात नहीं, वो तो निकलता रहेगा जैसे मिक्स हो रहा है, थोड़ा और दे रहा है पानी। बस बस तेरे से टावर क्यों नहीं आ रही है बाबू? मनीष भाई हाँ जी, कुछ बोलना चाहोगे आप? क्या बोले सर, सुबह से तो राइड पे थके हुए। हाँ मेरे को, हाँ भी नहीं करता भाई। ये क्या था भाई? ये प्रभु बचा ले आज, कल ना बचाए, कल ऋषिकेश अपने मॉल में।
मुझे लग रहा है क्या अरे वो धुआं इधर को आ रहा है यार, तो दिमाग है नहीं, सिर पे धुआं आ रहा था। ये बढ़िया टुकड़ा आ गया, हाँ देखना ये रिसर्च का टुकड़ा है। हाँ सर, हाथ से निकालना, इस पर तेल है ये। क्या हुआ बेटे? So guys, अभी हम पकोड़े बनाने के बाद है इसमें यहाँ पे बना रहे हैं फैशन डिजाइन पुलाव। गाइस देखो हरी मिर्च बोली। गाइस अभी हम ब्लॉग शूट कर रहे थे, भाई ने कंटिन्यू बोले जा रहे हैं कंटिन्यू। काम करने की बारी आई, इसका इसके ना हाथ पांव सूप हो जा रहे जैसे पकोड़े। क्या करना है, मिर्च पकड़ लोगे अंदर से? और बताओ। पकड़ ले, पकड़ के दिखा चल। हाथ उठा के निकाल ले, हाथ से ऐसे नहीं, हाथ से उठा के मत कर। सो गाइस अभी पकोड़े के बाद बन रहे हमारे पुलाव, तो अभी हमने डाले प्याज और हरी मिर्च भूनने के लिए। उससे पहले खड़े मसाले हमने डाले और अभी रखे हमने यहाँ पे गाजर और टमाटर, और अभी आलू और गोभी हम काटने वाले हैं। और बड़ी भी सोयाबीन बड़ी वाह यार। गाइस पुलाव इज रेडी, रोहित आज सर्व कर रहा है। ये वाला मंदिर कहाँ होगा भैया? ये जो कृष्ण भगवान का मंदिर है ना यहाँ पे। और गाइस हमने टेंट जो है ना वहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जब बारिश हो रही थी तो वहाँ से पूरा पानी आ रहा था टेंट के ऊपर, तब तो एक वहाँ पे शिफ्ट कर ले, एक यहाँ पे शिफ्ट कर ले, हवा भी चल रही काफ़ी। और यहाँ पे एक भैया मिला हमें, तो यहीं पे काम करते ऊपर। गाइस पुलाव ना एक नंबर, मज़ा आ रहा है एकदम। रोहित कैसा हो रहा पुलाव? सारे लोग हो चुके फुस, इनको लग गया थकान, इनकी आवाज़ निकल रही बाहर। अब बारह महीने मौसम।